नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। खबर देहरादून से है, डिजिटल परिवर्तन पर अखिल भारतीय सम्मेलन 5 नवंबर से होगा दो दिवसीय सम्मेलन। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राफेल केरा यूनिवर्सिटी में सम्मेलन आने वाला है, राज्यपाल गुरमीत सिंह उद्घाटन करने वाले हैं। डिजिटल परिवर्तन पर राफेल केरा यूनिवर्सिटी में 5 नवंबर से दो दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के नेतृत्व में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो खबर देहरादून से है, डिजिटल परिवर्तन पर अखिल भारतीय सम्मेलन 5 नवंबर से होगा शुरू और दो दिवसीय सम्मेलन ग्राफिक एरा 5 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। यूनिवर्सिटी में सम्मेलन होना है और साथ ही साथ ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिजिटल परिवर्तन पर अखिल भारतीय सम्मेलन 5 नवंबर से होगा दो दिवसीय सम्मेलन, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में सम्मेलन का आयोजन है। राज्यपाल गुरमीत सिंह उद्घाटन इसका करेंगे, डिजिटल परिवर्तन पर ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में 5 नवंबर से यानी कि आज से दो दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरीश कनेडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश कनेडा, इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए बसंत, कार्यक्रम है मैं तय होना है, लेकर के सभी तैयारियां यूनिवर्सिटी की तरफ से कर ली गई हैं और बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से एकीकरण जो तकनीकी शिक्षा है उसमें एकीकरण जो होने जा रहा है उसमें आज चर्चा का सम्मेलन होना है। दो दिवसीय कार्यक्रम है ये, ग्राफिक एरा देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें की जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन होना है और दो दिन तक इस पर चर्चा चलनी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो छत्रपति जो साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और जो भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के जो प्रोफेसर हैं वो इसमें पहुंच रहे हैं, विनय कुमार पाठक। तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा उत्साह तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो दिख रही हैं और जिसमें कि ग्राफिक एरा में एक जो कार्यक्रम होना है दो दिन तक ये कार्यक्रम चलना है। दूसरे दिन की अगर बात करें तो इसमें हिमाचल के जो राज्यपाल हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं, साथ ही साथ शिक्षा उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है क्योंकि जो समग्र एकीकरण जो प्रौद्योगिकी शिक्षा में जो बदलाव किया जा रहा है और जो एकीकरण किया जा रहा है उस पर विचार और चर्चा होनी है, इसके जो परिणाम और दुष्परिणाम पर भी चर्चा की जानी है। तो जाहिर सी बात है कि जो तमाम जो छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी तो उसे कहीं उनसे कहीं ना कहीं वो लाभान्वित हो पाएंगी और लाभान्वित होने के साथ साथ ही उनको आगे की किस तरह की जो जानकारियां हैं वो भी मिलने वाली हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बात अगर करें नई शिक्षा नीति को लेकर हरीश, तो इस तरीके के सम्मेलन काफी जरूरी भी हो जाते हैं ताकि शिक्षा के क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सके। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं या इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं वो आने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको एक मनोबल देने का काम करती है, प्रोत्साहन देने का काम करती है और ऐसे में जो तमाम जो उच्च शिक्षा हो चाहे वो शिक्षा से जुड़े तो तमाम जो शिक्षार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा लाभ मिलता है, क्योंकि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, बड़े पैमाने पर इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, संवाद का जो कार्यक्रम होता है और सबसे बड़ी बात है कि जो चर्चा और विचार इसमें रखा जाता है, इससे कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनको नई सीख मिलती है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी हरीश आपने जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने आवास पर मरचुला के समीप हुई बस दुर्घटना में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और साथ ही कहा, हम सब लोग इस दुख की घड़ी में उन सभी के परिवारजनों के साथ खड़े हैं, भगवान उन सभी के परिवारजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में गहरी खाई में बस गिरने से 36 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन रखा उन सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए जिनकी मौत हो गई थी अल्मोड़ा में बस दुर्घटना के दौरान। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में एक गहरी खाई में बस जा गिरी थी जिसमें 36 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। उसके बाद से ही पूरे प्रदेश समेत पूरे देश में हड़कंप मच गया जैसे ये खबर सामने आई। उसके बाद उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी
मृतकों की आत्मा की शांति के लिए यह मौन रखा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अल्मोड़ा बस दुर्घटना में हुई असामयिक मौतों पर संवेदना व्यक्त की है, तो वहीं ईश्वर से सभी प्रभावित परिवारजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना भी की है। साथ ही उन्होंने घटना में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की उम्मीद भी जताई है और साथ ही उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि इस दुख की घड़ी में सरकार पूरी तरीके से उनके साथ है और हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्राथमिक रूप से लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की गई है। अल्मोड़ा के अंदर सट में जो बस दुर्घटना हुई बहुत ही दुखदाई है, अनेकों लोग हताहत हुए हैं, 30 से अधिक लोगों की जिंदगी चली गई है। मैं अपनी ओर से मृत परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो भी दोषी हैं उनको कार्रवाई उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और घायलों को उचित उनको एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ उनकी चिंता हो, हॉस्पिटल में उनका इलाज अच्छी तरीके से हो, इसका सरकार पूरी तरह ध्यान रखने वाली है। मैं सभी मृतक परिवारों के प्रति और घायलों के प्रति इस भाव के साथ कि ईश्वर घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे और मृतक परिवारों पर अपने चरणों में स्थान दे ऐसे ईश्वर से काम। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच में भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने काफी सोच समझकर पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट दिया है। आशा नौटियाल जन जन की नेता है और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों और सत्ताधारी पार्टी के साथ रहकर क्षेत्र के विकास के बारे में भी जनता सोचती है और जानती भी है। जनता को पता है कि सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में रहकर क्षेत्र का अधिक विकास हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधायक मनोज रावत पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व में विधायक रहते हुए विधायक निधि तक खर्च नहीं की थी। कोई मुझे देखिए संगठन के फैसले होते हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा, इस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने जैसे आपको बताया कांग्रेस हमको विकास पे नहीं घेर सकती, कांग्रेस हम पे विकास से बात नहीं करती, केदारनाथ धाम के जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कायाकल्प करी उसके ऊपर बात नहीं कर सकती। देखिए कांग्रेस हर चुनाव सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम फैला के लोगों को भड़का के बहका के चुनाव लड़ना जानती है। हरियाणा में आपने देखा किस तरीके से पहले किसानों के कंधों पे बंदूक रख के खिलाड़ियों के कंधों पे बंदूक रख के हरियाणा चुनाव जीतने की कोशिश करी, लेकिन वहां की जनता ने क्या फैसला दिया? वहां की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को और वहां के हमारे जो सीएम है उनके नेतृत्व को सराहा सैनी जी को। ऐसे भी चेक खबर देहरादून से आपको बता दें, आज 3 जिलों में हल्की बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आशंका जताई गई है कि हल्की बरसात इन क्षेत्रों में हो सकती है। क्षेत्रों में शामिल है चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, जहां पर हल्की बारिश के आसार बताए जा रहे हैं और इन 3 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये आशंका जताई गई है कि बरसात देखने को मिल सकती है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश के आसार बने हुए हैं। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, आपको ये जानकारी देते हुए कि आज 3 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से हल्की बारिश की आशंका जताई गई है 3 जिलों में, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, जहां पर बरसात के आसार देखने को मिल सकते हैं। तो उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे हैं 3 जिलों में बारिश के आसार हैं और साथ ही अब अगर बरसात होती है तो जाहिर सी बात है तो ठंड का आगाज भी हो जाएगा, सर्द के मौसम का आगाज भी हो जाएगा। अब ऐसे में मौसम विभाग की अगर बात करें तो उन्होंने हल्की बारिश की जो आशंका है वो जाहिर की है कि चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से हल्की बारिश का जो अलर्ट है वो दिया गया है।
उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री घाटी के धराली से श्रीकंठ ट्रैक रूट पर लापता हुए सुमित पवार आखिरकार सुरक्षित बेस कैंप लौट आए हैं। वह दो दिन तक झाड़ियों में फंसे रहे और उसके बाद कठिनाई के बाद 4 अक्टूबर को बेस कैंप पहुंचने में वो सफल रहे। उत्तरकाशी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप प्रकाश पवार के जानकारी के अनुसार अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने जानकारी दी कि 2 नवंबर को स्थानीय निवासियों का एक 5 सदस्यीय दल धराली से झिंडा झी बुग्याल के लिए रवाना हुआ था और इसके अलावा SDRF और राजस्व टीम ने भी 3 अन्य पोर्टर के साथ खाद्य सामग्री लेकर सुमित की खोजबीन में सहयोग किया था और खोजबीन के बावजूद शाम तक जब सुमित का कहीं कोई पता नहीं चला तो बचाव दल में मायूसी का माहौल देखने को मिला था। इस दौरान सुमित ने अपने एक परिचित मित्र को फोन कर अपने सुरक्षित होने की सूचना दी। जानकारी मिली कि सुमित 2 दिनों तक झाड़ियों में फंसे रहे, उसके बाद वो बाहर आए और बेस कैंप वापस लौट आए। मंगलोर के लिबरहेडी में बने उत्तम शुगर मिल का विधिवत तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड की सभी मिलों से पहले पिराई सत्र शुरू हो गया है। तो मैं आपको बता दें कि इस मौके पर पहुंचे मिल मालिक लोकेंद्र सिंह लांबा ने यह बताया है कि उनकी चीनी देश में ही नहीं विदेश में भी मशहूर है। जिन किसानों से गन्ना खरीदा जाता है उनको भी 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट दे दिया जाता है। तो वहीं अब गन्ना समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने यह कहा है कि उत्तम शुगर मिल की चीनी की गुणवत्ता और पेमेंट की कोई आसानी नहीं है और साथ ही अब सबसे पहले उत्तम शुगर मिल का उद्घाटन हुआ है पिराई सत्र को लेकर अगर बात करें तो, जिससे क्षेत्र के किसानों को बड़ा फायदा भी मिलेगा। मैं जो मेरे क्षेत्र के किसान आए हैं जिनकी मेन भूमिका चीनी मिल चलवाने में रहती है, ये सही माने में तो इस चीनी मिल की लक्ष्मी है। मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने बहुमूल्य समय दे के पिराई सत्र शुभारम्भ में इन्होंने अपना योगदान दिया और चीनी मिल अपने सही ढंग से सही समय पे प्रदेश में सबसे पहले संचालन हो रही है। सर पेमेंट को लेकर पेमेंट चीनी मिल पहले पिछले साल जो है भारतवर्ष में पहले सिंगल चीनी मिल है जिसने 7वें दिन भुगतान किया है और वही रोटेशन इस साल भी रहेगा। हम 7 दिन पेमेंट करने की भूमिका पूरी निभाते रहेंगे। सर इस तरह की चीनी देंगे आप? चीनी जो सही पूछिए अगर उत्तराखंड में आप चीनी की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ चीनी बनाने वाली उत्तम शुगर मिल है और हमारी चीनी यहाँ से लेके विदेश तक जाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीनी इस कारखाने और 1 करोड़ क्विंटल का इन्होंने लक्ष्य रखा है और मैं ऊपर तो कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका पिराई सत्र अच्छा चले। इनका पिराई सत्र अच्छा चलेगा तो किसानों को इसका निश्चित रूप से लाभ होगा और किसान भी उत्साहित हैं क्योंकि पिछले 1 महीने से चरखियाँ चल रही थी और हमें पहले राम में किसानों को गन्ना अपना वहाँ बेचना पड़ रहा था, वो चाहते थे चीनी मिल में डालें तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए आज ये पिराई सत्र प्रारंभ किया है। क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह है और हमने यार्ड वगैरह सब देखा है, सब बढ़िया इन्होंने करा दिया है। अभी किसान खुश हैं बहुत और आने वाले समय में कोई दिक्कत होगी उसको देखा जाएगा। पेमेंट तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, पेमेंट तो यहाँ समय पर हो रही है, कोई समस्या नहीं है। अभी इन्होंने कहा है मुझसे, मैंने बात की तो इन्होंने बताया कि हम 1 हफ्ते में फिर कर देंगे भुगतान। इस थाना कनकल क्षेत्र से हरिद्वार पुलिस ने एक साधु को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साधु इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता के तौर पर 10 साल प्रैक्टिस भी कर चुका है। आरोपी एक साधु ने संपत्ति के लालच में अपने ही आश्रम के साध्वी के साथ दुष्कर्म कर उसके अश्लील वीडियो वायरल किए थे। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार अपने ठिकाने बदल रहा था। तो वहीं हरिद्वार कनकल थाना पुलिस के मुताबिक अगर बात करें तो पीड़िता साध्वी ने कनकल पुलिस को आरोपी साधु अशोक कुमार वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। साध्वी ने अपनी शिकायत में कहा था कि अशोक कुमार ने उसके साथ जबरदस्ती कर अतरंग वीडियो बनाए और उसके बाद उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल कर उसके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। अशोक कुमार ने संपत्ति पर कब्जा करने की मंशा से साध्वी के साथ संबंध बनाया और बाद में उसे धमकाने लगा। तो यह मामला सामने आया है जहां पर एक साधु की तरफ से एक साध्वी के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसके वीडियोज जो थे वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। तो दुष्कर्म के वीडियो बनाए उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया जिसके बाद साध्वी की तरफ से अब कनखल पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दी गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।
तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरिद्वार डकैती मामले में मुख्य आरोपी सुभाष के पत्नी, ताऊ और चाचा गिरफ्तार हो गए हैं। सितंबर महीने में श्री बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में करोड़ों की डकैती की गई थी और कोर्ट से तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद दिल्ली से उन्हें दबोचा गया। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक डकैती के बाद से ही तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे थे और इनकी गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर दबिश भी दी जा रही थी। आखिरकार दिल्ली में छिपे होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। तीनों आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है और साथ ही उम्मीद ये है कि इस डकैती के बारे में और भी अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और ANTF की टीम ने उत्तर प्रदेश बरेली के एक तस्कर को स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 50 ग्राम स्मैक बरामद की गई जिसकी बाजार में कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि NDPS एक्ट के तहत मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी पहले भी स्मैक तस्करी में जेल जा चुका है। तो 50 ग्राम स्मैक के साथ यहां पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, इस तस्कर को गिरफ्तार किया गया। अभी फिलहाल सख्ती के साथ पूछताछ इस तस्कर से जारी है कि कहां से लेकर कहां तक आखिरकार इनके तार जो हैं वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब ऐसे में पहले भी ये जो युवक है वो जेल जा चुका है, पहले भी नशा तस्करी को लेकर जेल इसे हो चुके हैं, उसके बाद एक बार फिर से स्मैक के साथ इसे गिरफ्तार किया गया। 50 ग्राम स्मैक इसकी बरामद की गई है। आपको बता दें जिसकी कीमत बाजार में अगर बात कर लें तो 15 लाख रुपये। हरिद्वार के कनखल स्थित जमालपुर कला में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि पत्नी पर अन्य व्यक्ति से संबंध होने का शक होने पर आरोपी सुरेंद्र ने धारदार हथियार से वार कर उसकी जान ले ली और मौके से फरार हो गया। लक्ष्मी की उम्र लगभग 35 साल थी और हत्या की जानकारी पाकर पुलिस घटनास्थल पर जा पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सुरेंद्र दिहाड़ी मजदूरी करता था और CO सिटी जूही मनराल ने यह बताया है कि आसपास के लोगों से मिली जानकारी पर पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि पति ने पत्नी का कत्ल किया और उसके बाद मौके से फरार हुआ। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। मामले की गहनता से जांच लगातार जारी है। तो अन्य व्यक्ति से संबंध होने का शक था, उसके बाद अपनी ही पत्नी की जान का दुश्मन यह आरोपी पति बन गया। उसके बाद अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि मौके से फरार है। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। बताया जा रहा है कि जब इसने अपनी पत्नी की हत्या को अंजाम दिया उससे पहले इस व्यक्ति को शक था कि पत्नी का संबंध किसी गैर युवक के साथ है और इसी शक के बिना पर इसने अपनी पत्नी की जान ले ली और उसके बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है इस आरोपी की और गहनता से मामले की छानबीन भी जारी है। कनखल क्षेत्र से सूचना मिली थी कि एक महिला की उसके घर पे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो सूचना पर तुरंत कनखल की टीम यहाँ पर पहुँची और ये पता चला कि एक महिला की अंदर डेड बॉडी है और आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि संभवतः उसी के पति, उनकी काफ़ी लड़ाइयाँ चलती रहती थी, तो इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि पति ने ही अपनी बीवी का कत्ल किया और वो यहाँ से दिन में ही फरार हो गया। हत्या शार्प वूंड्स दिख रहे हैं, बड़े वूंड्स हैं, बाकी हत्या का वेपन ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। किसी बड़े ऑब्जेक्ट से ही हत्या की जानी प्रतीत हो रही है। क्या कारण का नजर है? मैंने क्या कुछ आपसी झगड़ा रहता है? आपसी झगड़ा इनके बीच में काफी समय से था, जो पता चल रहा है कि इसमें नशे की लत भी एक कारण हो सकता है। हरिद्वार के सिरगुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद गांव में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी पर पहुंचे SDRF टीम ने सर्च अभियान चलाकर शव को बरामद कर लिया है। सिरगुल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस के प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पानी के गड्ढे में डूबा युवक अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। बीते सोमवार को पुलिस को जानकारी मिली कि युवक हाथों में नुकीला और धारदार हथियार लेकर घूम रहा था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वह मकान के छत पर चढ़ा हुआ था। पुलिस ने युवक को धारदार हथियार फेंकने के लिए कहा, लेकिन वह एक छत से दूसरी छत पर दौड़ता रहा। फिर पुलिस को जानकारी मिली कि करीब 15 फीट गहरे
पानी के गड्ढे में युवक डूब गया। तो पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में फिलहाल इस मृतक का शव भेज दिया गया है। ये खबर आपको बता रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये जो युवक पानी के गहरे गड्ढे में डूबा है, पिछले कुछ समय से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था और पहले भी पुलिस को सूचना मिली थी कि इसी तरीके की हरकतें इस युवक की तरफ से की जा रही थी। जब पुलिस पहुंची मौके पर तो ये युवक छत पर चढ़ा हुआ था और इसके हाथ में धारदार हथियार था, नुकीला हथियार था। जब पुलिस ने इसे हथियार फेंकने के लिए कहा इस युवक से, तो इसने एक से दूसरी छत पर छलांग लगाई और कुछ ही समय बाद यह सूचना मिली कि पानी के गड्ढे में यह युवक डूब गया है। तो इसके साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का अधजला शव बरामद किया गया। शव मिलने से सूचना पर पहुंची पुलिस और पुलिस महकमे भी हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची और जांच शुरू की गई। घटना श्यामपुर शराब के ठेके के पास की बताई जा रही है, जहां पर एक युवक का अधजला शव पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। आज प्रातः श्यामपुर थाना क्षेत्र में हाईवे के पास ही एक अधजला शव पुलिस को प्राप्त हुआ था, जो प्रथम दृष्टया बिल्कुल हत्या का एक मामला हमें स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा था। और पुलिस के द्वारा जब इसमें अभी इसकी पहचान की कोशिश की गई तो इसका नाम गोपाल पुत्र हरिशंकर संभल निवासी ये रहा है, इसका कुछ हमें पता लगा है। इस संबंध में इसके जो घर वाले हैं, परिजनों से बात की जा रही है और कल इसकी जो भी एक्टिविटी थी उसके बारे में पता लगाया जा रहा है, किन किन लोगों के संपर्क में रहा था। मुझे उम्मीद है जल्दी इस की हत्या के खुलासे को हम जल्दी ही करेंगे और पूरी टीम हमारी इस पर लगी हुई है और इस हत्या के मुकदमे में जो भी लोग इसमें शामिल हैं, सम्मिलित रहेंगे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहें आप जनतंत्र टीवी। नमस्कार।